बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने जिसका डर था वही हुआ, वही ऐलान किया कि बांग्लादेश ने फाइनली पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेलने से फॉर द टाइमिंग फौरी तौर पर टेस्ट मैचेस खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान में बांग्लादेश अब टेस्ट मैचेस नहीं खेलेगा, ये फाइनल डिसीजन आ गया है बांग्लादेश की जानिब से। हाँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो आज इजलास हुआ उसमें ये फैसला हुआ। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया दो टेस्ट मैच खेलने से कराची में और एक पिंडी में, कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द रीजन जो है वो बड़ी फ्लूइड है और वो चांस नहीं ले सकते। तो ये कुछ लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि इस वक्त तो एज अ नेबरली कंट्री बांग्लादेश को पाकिस्तान की सपोर्ट की जरूरत थी। इस वक्त करंट सिनेरियो में बांग्लादेश अपना हाथ बढ़ा सकते थे मदद करने के लिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी को इसमें अब दखल अंदाजी करने की जरूरत है। हम अपने मुल्क में चैंपियन ट्रॉफी करवाना चाहते हैं, इंडिया को लाना चाहते हैं, बट बांग्लादेश भी आने से हिचकिचा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बड़ा झटका इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि अब पाकिस्तान ये जो दो टेस्ट मैचेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, ये कब मुनाकिद करेगा, क्योंकि आगे पाकिस्तान के पास वक्त नहीं है। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान का दौरा करके चली गई। हर कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ जाती है। और बांग्लादेश की टीम जब एशिया कप में पाकिस्तान आई थी ना, तो बांग्लादेश को स्टेट लेवल की जो सिक्योरिटी जो दी गई थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश वालों ने अब डिमांड किया अपनी सरकार से कि हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है भाई साहब, और आप जो हमें इसके लिए जो एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट जो है वो दें साथ में। पाकिस्तान जो है अब सेफ कंट्री होगी और क्रिकेट वहां पे रीलॉन्च होनी चाहिए। पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे, और श्रीलंका ने बहुत गुनगाए इस प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी के जब उनके टेस्ट ट्रिप खत्म हुआ, उसके बावजूद बांग्लादेश अड़े रहे अपने मौकफ पे। पाकिस्तान अब होम सीरीज किसी तीसरे मुल्क में जाकर नहीं खेलेगा। अगर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आ सकती है, बांग्लादेश की टीम को भी पाकिस्तान आकर खेलना होगा। पाकिस्तान कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि हम अपनी सीरीज किसी तीसरे मुल्क में माजी में खेलते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि क्रिकेट में झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना ही कोई कानूनी कोई इस तरह का। ठीक है, ये आपकी नाकामी है, आपके क्रिकेट बोर्ड की नाकामी है कि आप इतनी प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी देने के बावजूद आप उनको मुतमइन नहीं कर सके, उनके क्रिकेट बोर्ड को मुतमइन नहीं कर सके, उनकी क्रिकेट टीम को मुतमइन नहीं कर सके। और मुझे लगता है बांग्लादेश के ये दोनों जायज कंसर्न है। पाकिस्तान में हालात खराब होते थे बट एक आधी जगह पे होते थे, एक साथ तीन चार फ्रंट्स नहीं खुले होते थे। अब ऐसा है ना, एक साथ चार पांच फ्रंट्स खुले हैं। बांग्लादेश वालों ने अच्छे हाथ से बैठे बिठाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठा दिए हैं, वजह कोई सामने नहीं आ रही है, बस ये जो अटैक वगैरह हो रहे हैं इसकी वजह से। और अभी आगे आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली है पाकिस्तान में, तो क्या बांग्लादेश की टीम ने इशारा दे दिया है कि भाई चैंपियन ट्रॉफी में भी हम जो है वो आपके लिए मसले जो है पैदा करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम के साथ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी फैसला कर दिया, वो पहले भी कई मौकों पर बता चुके थे कि हम सोचेंगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, देखेंगे एंड मौके पर बताएंगे, लेकिन जो तो फाइनल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर ने बात वादे कर दी कि हमारी टीम को खतरा है सिक्योरिटी खर्चात का, जिसकी वजह से हम अपनी टीम को मशरक वस्ता एशिया यानी पाकिस्तान में खेलने के लिए टेस्ट सीरीज नहीं भेजेंगे, सिक्योरिटी हालात खराब है, हम अपनी प्लेयर्स को खतरे में नहीं डालेंगे। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात वाकई ठीक नहीं है, पहले होता था एक शहर के हालात खराब दूसरे के ठीक थे, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि चार पांच जगह पर बड़े बड़े फंड खुल चुके हैं। बड़े बड़े फंड खुलने का मतलब ये कि तमाम तर मुल्क में हालात ठीक नहीं है, बिलखसूस एशिया के अंदर पूरे सिक्योरिटी के हालात बहुत खतरनाक हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर बांग्लादेश टीम अभी टेस्ट सीरीज खेलने के लिए नहीं आ रही तो ये बात यकीनी मान लें कि आगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी बांग्लादेश टीम पाकिस्तान को तंग करेगी। पाकिस्तानी मीडिया का मजीद कहना था कि अगर बांग्लादेश टीम पाकिस्तान नहीं आती तो इसमें इंडिया कोई किरदार नहीं है, बांग्लादेश अपनी मर्जी से नहीं आएगी, क्योंकि इंडियन टीम ने पहले जाने से इनकार कर दिया चैंपियन ट्रॉफी के लिए, बांग्लादेश में आने को तैयार नहीं है, श्रीलंका के अलावा अफगानिस्तान ने भी रिफ्यूज कर दिया कि पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आएंगे। अब रह गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इनकार कर चुका है, सिर्फ साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड इंग्लैंड ये तीन चार टीमें जो कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए अवेलेबल है, अदरवाइज बाकी तमाम टीमों ने रिफ्यूज कर दिया है। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज करवाना या कोई भी सीरीज करवाना या चैंपियन ट्रॉफी करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर टीम के लिए पहला सिचुएशन होती है उसका सिनेरियो, वो सबसे बड़ी बात होती है, उसकी जो बेस्ट सिनेरियो होता है वो होता है सिक्योरिटी हालात, और कोई भी टीम सिक्योरिटी खर्चात के बेस पर इनकार करना बेहतरीन समझती है, लिहाजा कोई भी टीम कोई भी बोर्ड खतरा मोल नहीं जाता, कोई भी बोर्ड नहीं जाता कि वो अपने लिए खतरे भेजे, और अगर उस खिलाड़ी कोई मसला हो जाए तो उस बोर्ड पर सवाल निशान उठता है, इसलिए हर सवाल से बचने के लिए बोर्ड चुप कर
की बात करें थे कि आपके मुल्क में सिक्योरिटी लॉ ठीक नहीं है, इसके लिए हम अपनी टीम को आपके मुल्क में खेलने के लिए नहीं भेजेंगे। और ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए बांग्लादेश को बेहतर डिसीजन करने की जरूरत थी। जिसका डर था वही बात हो गई। वो बहुत इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज नहीं खेलेंगे, इतनी देर तक हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में कायम नहीं कर सकते, हमारे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं तश्वीश है पाकिस्तान जाने में। इस तरीके की बातें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आती रही थी। बिलाखिर आज जो इजलास हुआ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ढाका में, उसके बाद नजमुल हसन जो उनके क्रिकेट बोर्ड के सरबरा हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वाजे कर दिया कि उनकी टीम मशरिक वुस्ता की सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकती। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है और एक क्रिकेट कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वो टीम जिस पर अटैक हुआ था वो पाकिस्तान का दौरा करके चली गई। हर कोई पाकिस्तान की बात कर रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं सवालिया निशान छोड़ जाती है। हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि हम खिलाड़ी भेजेंगे तो फिर वो टेस्ट सीरीज खेलने आ जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया, जिसको हमने सिखाया। जावेद मियादाद साहब का स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने ये बात कही कि जो एहसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किए उसको उतारने का यह वक्त है कि बांग्लादेश की टीम यहां आकर सीरीज खेले। सईद भाई, ये जो सूरत हाल आपने देखिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का इनकार, कोई कहेगा मेंढकी को जुकाम, कोई कुछ और बात कहेगा, क्या बांग्लादेश भी इनकार कर रहा है ये वक्त भी आ गया कि जिसको सिखाया है हमने, जिसको बनाया हमने, अच्छा नहीं हुआ क्रिकेट के लिए। मैं ये समझता हूं कि हमें इतना हल्का लेना या पाकिस्तान ना आना ये उनके बोर्ड का मसला नहीं है, ये है प्रॉब्ली इंडिया का, बीच में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है जो वो उनको नाराज करना नहीं चाहते, दोनों के दोनों, बांग्लादेश भी और ये अफगानिस्तान भी। अच्छा, अब पाकिस्तान को तो नजर, हमारी सिफारती पॉलिसी इतनी कमजोर, 10 ममालिक क्रिकेट खेलते हैं हम उसमें भी इतने कमजोर हैं कि हम बांग्लादेश को और अफगानिस्तान को भी राजी नहीं कर पाते। देखिये, मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी जैसे मिसाल के तौर पर आईपीएल में इंडिया हमारे लड़कों को नहीं बुलाती, नहीं तो हम लोग अभी भी इतने कमजोर हैं, हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है कि ये वहां भी जाने से ना रोके इंडिया के, जितना इतना गंद कर रही है। हुकूमत को कह रहे हैं या क्रिकेटर्स को कह रहे हैं? मैं तो कहता हूं इसमें सियासत इन्वॉल्व है। देखिए, क्रिकेटर्स तो कोई नहीं, अभी आपने क्रिकेटर्स जाने को तैयार नहीं होंगे इंडिया? 100% जाएंगे, वो 100% जाएंगे। इंडियन तो हम तो वैसे ही जिसे कहते हैं ना मुसलमान की किस्मत में ही हम तो खतरे को शहादत समझते हैं, ये तो अपने लिए ये तो चले जाएंगे, ये तो ये नहीं मुल्क की इज्जत नहीं देखेंगे, कहेंगे मौत ही आएगी ना, ज्यादा क्या होगा, या बेइज्जती को भी कुछ नहीं समझते, पैसा मेन चीज है। इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड भी वही कर रहा है जो पाकिस्तान की जितनी दुनिया में इज्जत है ना, ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान की वजह से वो पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों इतना इंटरेस्टेड है कि वो मना किए जा रहे हैं, ये बुलाए जा रहे हैं। इनको तो आईसीसी से कह देना चाहिए इनसे हम नहीं खेलना, इनसे खेलनी नहीं क्रिकेट, आप बाहर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। उन्होंने मना किया, वो सियासी पॉइंट व्यू है, मैं नहीं समझता कि कोई बोर्ड ने उनके मना किया, आईसीसी को सोचना चाहिए। बिल्कुल, आईसीसी को सोचना चाहिए, शहीद भाई की ये बात समझ में आती है शुएब भाई। लेकिन बांग्लादेश का इनकार कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी भी साबित करता है, हम अपने क्रिकेटर्स भेज देते हैं उनकी लीग में शिरकत के लिए, अगर कोई अनफिट हो जाता है तो हम बजाय इसके कि बाकी जो मंगवा रहे थे कमक हम वो रोक लेते, कहते भाई पहले साइन तो करो कि सीरीज खेलनी है या नहीं। जैसे बोला, देखें क्रिकेट में एशिया में जितनी पॉलिटिक्स है ना दुनिया में, कहीं ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, वहां इतनी पॉलिटिक्स नहीं है एशिया में, और एशिया में इस पॉलिटिक्स में डोमिनेट करता है इंडिया। इंडिया तो वर्ल्ड वाइड करता है, देखिए सिर्फ आप एशिया की बात ना करें, हम तो बात अपनी कर रहे हैं कि हम कहां पे खड़े हैं।